नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। खबर रीवा से है, जहां जिले में 8 विधानसभा होने के बावजूद जिला अधिकारियों को मात्र जिला मुख्यालय के विकास कार्यों तक ही केंद्रित रहना समग्र विकास के सिद्धांत से परे है, जबकि रीवा जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जनमानस की स्थिति बहुत दयनीय है। आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सहज नसीब नहीं है। ऐसे में अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करने का दम भरने वाली सरकार की योजनाओं पर पलीता लगता हुआ दिख रहा है। अभी 2 दिन पूर्व ही त्योंथर विधानसभा क्षेत्र में सासकी तालाब के ऊपर प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने का मामला मीडिया में सुर्खियां बना रहा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ, तो वहीं शासन को भारी भरकम वित्तीय हानि भी उठानी पड़ी। इस मामले में रीवा कलेक्टर ने एक जांच कमेटी की नियुक्ति की। आखिर इतनी बड़ी गलती क्यों और कैसे हुई? रीवा कलेक्टर का रीवा विधायक के कार्य संपादन की प्रक्रिया तक ही सक्रिय रहने की वजह से अन्य विधानसभा क्षेत्र विकास कार्य से दूर होते दिख रहे हैं, जिस कारण अन्य विधायक कई बार बात मंच से ये कह चुके हैं, जिला कलेक्टर के कार्य को विधानसभा तक ही सीमित रखने की वजह से अन्य विधानसभा क्षेत्रों में विकास का अनियंत्रित या फिर नहीं के बराबर काम हो रहा है। इसके कई उदाहरण पूर्व में भी नजर आए हैं, जिसकी वजह रीवा विधायक की पूर्व व्यावसायिक पृष्ठभूमि को माना जा रहा है। इसके कारण रीवा कलेक्टर रीवा विधायक के इशारों में नाचते दिखाई देते हैं। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट बीके माला ने क्या आरोप लगाया, सुनाते हैं। इसके बाद सुनाएंगे वार्ड क्रमांक 12 केंद्र वर्तमान पार्षद विनोद शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से क्या मांग की है। और कार्य भी बहुत अनियंत्रित हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला का विषय है कि रीवा विधानसभा के अंतर्गत तो सुबह सुबह उनको अपने निजी काम के लिए या भ्रमण के लिए या अन्य प्रयोजन के लिए बुलाते हैं, तो निश्चित तौर से कभी जो काम की समीक्षा होती है, आयोजन होते हैं, उसकी चर्चाएं होनी चाहिए। परंतु बहरहाल जिला प्रशासन और कलेक्टर का जो दायित्व है, जो क्षेत्र है, वो व्यापक स्तर में है, समूचे जिले को लेकर है। और कलेक्टर, जिला प्रशासन निश्चित तौर से यदि उनके पास समय ऐसा है तो समूचे जिले की व्यवस्था उनको देखने चाहिए। जिले के अन्य 7 और विधायक है, रीवा सहित 8 विधायक है, और विधायक जनता के होते हैं। तो क्या रीवा ही ऐसा विधानसभा है जहां मूलभूत समस्याएं हैं, जहां निर्माण की समस्याएं हैं, तालाब की समस्याएं हैं या अन्य समस्याएं हैं? तो समस्याएं समूचे जिले में, व्यापक स्तर में समस्याएं पूरे जिले में हैं और जिले के 8 विधानसभाओं, अन्य विधानसभाओं में भी हैं। परंतु लगातार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा जा रहा है कि कलेक्टर महोदय सुप्रभात की प्रथम जो बेला होती है, उस बेला में निरीक्षण करते देखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि समय पूर्णता उनके पास है और समय की जो समय सारणी मानी कलेक्टर महोदय की है, तो उसको लेकर उन्हें एक समय सारणी बनानी चाहिए, आम जनता की समस्याओं से मुखातिब होना चाहिए। 8 विधानसभाओं में इस प्रकार लगातार तालाबों में बेजा कब्जा, बाईपास के किनारे बेजा कब्जा या अन्य शासकीय भूमियों पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। निश्चित तौर से तालाबों में, जैसे सगरा तालाब है, उस तालाब में बड़े स्तर में भूमाफिया बेजा कब्जा कर रहे हैं। इस प्रकार की बड़ी फाइलें उनके टेबल में रखी हुई हैं, उन टेबलों में आज तक उन फाइलों का निरीक्षण नहीं हो पा रहा है, उन फाइलों पर FIR की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, पुराने प्रकरण पेंडेंसी में पड़े हुए हैं, न्यायालयीन प्रकरण पेंडेंसी में जा रहे हैं, नामांतरण खसरा सुधार, नक्शा तरमीम के जैसे राजस्व के प्रकरण न होने के कारण विवाद की स्थिति गांवों में निर्मित हो रही, साथ में अन्य विधानसभाओं में ये स्थितियां हैं कि अन्य विधानसभाओं में राजस्व के साथ साथ बहुतायत में प्रकरण जिला प्रशासन संबंधित विचाराधीन है। उन विषयों को भी गंभीरता से जिला प्रशासन को देखना चाहिए, अन्य माध्यमों से भी उन विधानसभाओं में चर्चा होनी चाहिए। इस प्रकार का जिला स्तर में जिला कलेक्टर के व्यापक क्षेत्र है, उस व्यापक क्षेत्र होने के नाते उन्हें विस्तार से इस विषय पर समीक्षा करनी चाहिए। रीवा को 2 कलेक्टर की जरूरत है क्या? तो देखिए, सुविधा के अनुसार से हम तो ये देखते हैं कि जब भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाता है तो तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा भी सुबह सुबह अन्य प्रक्रिया को, रीवा विधानसभा को देखते थे। और मेरा ये मानना है कि समस्त कार्य तो रीवा विधानसभा में ही क्या होंगे, क्या 8 विधानसभाएं हैं, गुड़ विधानसभा है, देवतला विधानसभा है, सिरमौर है, सिमरिया है, त्योंथर है, अन्य विधानसभाओं की सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा रहा, यहाँ तो बड़े बड़े दायित्व, प्रधानमंत्री जैसे दायित्वों का नेतृत्व करने की क्षमता इस क्षेत्र में रही, तो निश्चित तौर से आप सामाजिक कार्यकर्ता है, अधिवक्ता भी है, मामले हैं, तो आगे जो पेंडिंग रहते हैं,
तो क्या मानते हैं कि विधायक के साथ में जाना कलेक्टर के लिए उचित है कि अन्य? देखिए, कोई विषय है, गंभीर विषय है, उस पर उनके बुलाने पर चर्चा पर लोकतांत्रिक पद्धति में जनप्रतिनिधि हैं तो जाना चाहिए था। परंतु दिन भर 24 घंटे में ये प्रतिदिन ये रोज़मर्रा के क्रियाकलापों में देखा जाए कि वो प्रतिदिन वहाँ आएँ और प्रतिदिन उनके साथ भ्रमण करें, छोटे छोटे माइनर प्रॉब्लम से यदि हैं तो उनको लेकर विजिट करें, चर्चाएं करें और हर सामान्य से सामान्य बातों में उनकी चर्चाएं आपस में मुखातिब हों, तो इससे दूसरे विधानसभाओं में गलत असर पड़ सकता है। और मेरा ये भी मानना है कि जिला प्रशासन कलेक्टर के पास व्यापक क्षेत्र है, व्यापक कार्य है और उन कार्यों की समीक्षा करना चाहिए। क्या रीवा कलेक्टर सिर्फ एक रीवा विधानसभा तक सीमित हो गए हैं, बाकी क्षेत्रों का निरीक्षण या ऐसा कुछ विकास कार्य में उनकी कोई भूमिका नज़र नहीं आती? देखिए, यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। वैसे भी जो वर्तमान में शिवराज सिंह की चौहान जी की सरकार है वो वोट के दम पे नहीं, नोट के दम पे बनी थी। अब वो नोट के दम पे बनी है तो गाड़ी कितनी खींच ली जाए इसी पे वो सरकार टिकी है। और सरकार के बाद जो मध्य प्रदेश में रीवा की कहानी है, तो जो पूर्व मंत्री रहे वर्तमान विधायक माननीय राजन शुक्ला जी हैं, तो रीवा को या प्रशासनिक अमले को बताने के लिए कि मेरी हैसियत अभी किसी मंत्री से कम नहीं है, तो प्रशासनिक अमले का पूर्णतः वो दुरुपयोग करते हैं। यदि वो कहीं शहर में सैर करने भी जाते हैं तो चाहते हैं कि मेरे पीछे अर्दली के रूप में कलेक्टर पीछे चले। मैं तो अनुरोध करूंगा शिवराज सिंह चौहान से कि नोट के दम पर सरकार बनाई लिए हो, रीवा ज़िले में दो कलेक्टर की नियुक्ति कर दो। एक कलेक्टर उसकी जो राजेंद्र शुक्ला के पीछे पीछे चले, अर्दली करें, और एक कलेक्टर उसके लिए जो रीवा के जन कल्याण के लिए, जन समस्याओं के लिए उसका निराकरण करें, तब तो जा कर के काम हो पाएगा। आए दिन देखने में आता है जैसे त्योंथर की समस्या है, सिमरिया की समस्या है, सिरमौर की समस्या है, तो क्या इनके लिए कलेक्टर नहीं है? भाई, ये सब विधायक बराबर हैं, पर चूंकि राजेंद्र शुक्ला को दिखाना है कि मैं गिरीश गौतम से ऊपर हूँ, उनके अंदर एक अहंकार है और अहंकार खत्म नहीं हो रहा। अहंकार उनका खत्म होगा जब 2023 में चुनाव बुरी तरह से हारेंगे, तब उनका अहंकार खत्म होगा। तो उस अहंकार को मिटाने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि शिवराज जी, रीवा में दो कलेक्टर की नियुक्ति कर दो, एक कलेक्टर राजेंद्र शुक्ला की अर्दली बजाए और दूसरा कलेक्टर रीवा के जन कल्याण के लिए कार्य करे। अगर जाते भी हैं तो अगर उस विभाग का अधिकारी जाए, उस स्थान पर जाए, तो तुरंत इंजीनियर जाए, ठेकेदार को बुलाए और भ्रमण करें, निरीक्षण करें, अच्छा है। लेकिन एक कलेक्टर को लेकर जाना, एक कलेक्टर 8 विधायक है। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूँगा, उनको किसी और चीज़ से मतलब ही नहीं। आपको पता है कि रीवा में कितना ज़्यादा कोरेक्स पिया जाता है, आपको पता है कि रीवा में गांजा आए दिन पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा गांजा रीवा में पकड़ा जाता है। क्यों आए दिन सबसे ज़्यादा रीवा में कोरेक्स की शीशियाँ पकड़ी जाती हैं? पेपर में, चैनल के माध्यम से सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है कि आज 1000 सीसी कोरेक्स पकड़ी गई। राजेंद्र शुक्ला जी को कतई मतलब नहीं है कि रीवा का युवा रोजगार पाए। राजेंद्र शुक्ला जी को कतई मतलब नहीं है कि रीवा के लोग सुव्यवस्थित ढंग से रहें। राजेंद्र शुक्ला को मतलब ये है कि उनकी ठेकेदारी कैसे चली, कैसे वो सिविल लाइन की ज़मीन को बेचें। अब जो जितनी ज़मीन बची हुई है तो किस प्रकार से कलेक्टर को पीछे ले जा करके इधर उधर करके अपना काम करें। राजेंद्र शुक्ला जी को रीवा के जनता से कतई कोई मतलब नहीं है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ और मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनको केवल एक मतलब है कि किस प्रकार से वो जनता की गाढ़ी कमाई को लूट सकें और उसको परिवर्तित करें ठेकेदारी के रूप में। आप कोई भी काम उनका बताओ, जो भी काम होगा वो ठेकेदारी से जुड़ा होगा और ठेकेदारी चूंकि उनका पुराना पेशा है तो अपने पेशे को आगे किस प्रकार से वो बढ़ाएं। इसलिए भाई मैं कहता हूं कि आप कलेक्टर को, भाई इंजीनियर जो काम करेगा वो कलेक्टर थोड़ी कर पाएगा, आप वहाँ पर इंजीनियर को ले जाओ। जो काम तहसीलदार करेगा वो कलेक्टर थोड़ी करेगा, आप वहाँ तहसीलदार को ले जाओ। वो दिखाना चाहते हैं दूसरे विधायकों को, रीवा के सांसद को, गिरीश गौतम जी को, सबको दिखाना चाहते हैं कि मैं रीवा में अभी भी सबसे बड़ा पावरफुल हूँ। ठीक है, हवा में उड़ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि शिवराज जी उनके लिए कलेक्टर, दो कलेक्टर बना दो ना, एक उनके पीछे चपरासी जैसे घूमे अर्दली और दूसरा कलेक्टर जन कल्याण के लिए काम करे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।